वर्ड ऑफ क्लास थर्ड. ओके, द फर्स्ट चैप्टर यूनिट वन, लर्निंग वैल्यूज. लर्निंग वैल्यूज, हियर आर सम स्टूडेंट्स और सम पीपल्स वर डूइंग देयर वर्क. एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर व्हाट दे वर डूइंग, समवन एड्रेसिंग बाय देयर नेम. को उनके नाम से एड्रेस किया गया है. वो क्या कर रहे हैं इस पार्क में, ये आप इजीली देख पा रहे होंगे. कुछ खेल रहे हैं, कुछ गार्डनिंग कर रहे हैं, प्लांटिंग कर रहे हैं. समवन इज वेटिंग टू देयर टर्न एंड समवन इज डूइंग गुड थिंग. सच अ गुड थिंग इज लाइक डोंट थ्रो द वेस्ट हियर एंड देयर, पुट इट इनटू द डस्टबिन, जस्ट लाइक दैट. ओके, सो हियर आर questions. As you can see, does Sadhbir present a good value? So your question, kya Sadhbir jo hai wo present good value ke karte hue present hai? So yes, why? Because you can see Sadhbir is throwing a peel of bananas into the dustbin. That is a good manner. Next one is, would you help योर फ्रेंड इन नीड लाइक मीता. जब आपके फ्रेंड को ज़रूरत होती है तो आपको उनकी हेल्प करनी चाहिए, एज लाइक मीता, शी वॉज डूइंग देयर हेल्प. यस, सो टेक केयर. नेक्स्ट वन इज बंटी डूइंग अ राइट थिंग. आप देखिए, ये है बंटी, ये यहाँ पर क्या कर रहा है, इज doing something with a street light, and that's not fair. क्योंकि ये अच्छी habit नहीं है, so that's why no. आपको no पे tick करना है. Next one is, what do you learn from the children standing by the slide? आपको ये slide के पास जो students दिख रहे हैं line में, वो वहाँ पर क्यों हैं? और आपको उनसे क्या सीख मिलती है? वो आपको यहाँ पे write up करना है. जब आप कहीं खेलने जाते हैं और आपके साथ और भी कई सारे स्टूडेंट्स होते हैं, सो ऑन दैट टाइम व्हाट विल यू डू? आप क्या करेंगे? अपने टर्न का ही तो वेट करेंगे ना, कि आप किसी को भी पुश करके आगे पहुंच जाएंगे. सो हियर यू हैव टू राइट डाउन, वी मस्ट फॉर्म अ लाइन एंड वेटिंग टू आवर टर्न. हमें हमेशा लाइन फॉर्म करनी चाहिए, यानी अपनी बारी का इंतजार करना चाहिए और अपने टर्न आने का वेट करना चाहिए. नेक्स्ट, निया लव्स प्लांट्स, व्हाट डू यू थिंक शी इज डूइंग देयर, शी इज डूइंग हियर, एंड व्हाई इज डूइंग सो? आपको ये दिख रहा है प्लांटिंग करते हुए एक लड़की जिसका नाम है निया. सो शी इज अ गर्ल एंड शी इज डूइंग अ गुड थिंग, बट व्हाई इज शी डूइंग? है वो ऐसा क्यों कर रही है? इसका आंसर कैसे करेंगे? ये निया इज प्लांटिंग एंड वाटरिंग अ प्लांट एंड वाटर हेल्प्स टू ग्रो अ प्लांट. सो क्योंकि निया ने प्लांटिंग की है तो वो उस पर इसीलिए पानी डाल रही है ताकि वो ग्रो कर सके और बढ़ सके. ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट इज योर मेडिकल क्विज. मेडिकल क्विज आपको मैं पहले बता दूं, मेडिकल में एक्चुअल में होता क्या है. जो आप फर्स्ट एड यूज़ करते हैं वेन एवर यू इंजर्ड, और जब कभी आपको चोट लग जाती है या आप जल जाते हैं, तो जो उस टाइम पे ट्रीटमेंट, इंस्टेंट ट्रीटमेंट दिया जाता है, उसे बोला जाता है, क्या बोलते हैं उसको हम लोग, फर्स्ट एड. ओके, सो फर्स्ट एड में बहुत सारे सामान यूज़ होते हैं. अब जब तक हमें ये नहीं पता होगा कि हमें क्या यूज़ करना चाहिए और किस टाइम पे यूज़ करना चाहिए, हाउ वी विल यूज इट, हम उसका यूज़ कैसे करेंगे? सो हियर टेक द करेक्ट आंसर. आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर्स में टिक करना है. पहले आप ऊपर कुछ सामान बने हुए हैं, उनके पिक्चर्स के साथ बाय देयर नेम, आप उनको पहले लर्न कर लीजिए. जस्ट लाइक फर्स्ट एड बॉक्स, डॉक्टर टेप, सीजर्स, थर्मोमीटर, कॉटन एंड एंटीसेप्टिक लिक्विड. दीज आर द सिमिलर इक्विपमेंट विच ईजली यू कैन कैरी विद योर फर्स्ट एड बॉक्स. ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन, अ फर्स्ट एड बॉक्स ऑलवेज कंटेन्स, फर्स्ट एड बॉक्स
में हमेशा क्या होता है? गैल्वोमीटर, थर्मोमीटर और स्पीडोमीटर, एज आई टोल्ड यू, थर्मोमीटर. सो यस, द आंसर नंबर बी इज करेक्ट, थर्मोमीटर. नेक्स्ट, इफ योर स्किन गेट्स बर्न एंड यू मस्ट इमीडिएटली पुट इट, जब आपकी स्किन जल जाती है तो आपको तुरंत उसमें क्या लगाना चाहिए, आप उसमें क्या अप्लाई करेंगे? अंडर हॉट वाटर, अंडर कोल्ड वाटर और इन अ बैंडेज. तो ये ऑब्वियस ही बात है, जब आपको जलता है कहीं पर तो उसमें बहुत सारी जलन होती है, और जलन को किससे मिटाया जा सकता है? पुट इट इनटू कोल्ड वाटर. जब आप कोल्ड वाटर में उसको डालेंगे तो वो ईजिली क्या होएगा, रिलैक्स करता है. ठीक है, सो नंबर थर्ड इज दिस, इफ यू गेट अ वाउंड बाय अ रस्टी ऑब्जेक्ट यू नीड टू गेट अ वैक्सीनेशन फॉर, जब आपको किसी रस्टी ऑब्जेक्ट से लग जाती है तो उस टाइम पे कौन सा वैक्सीनेशन लिया जाता है, यानी जंक लगी हुई चीज़ों से जब आपको लगता है, तो आप सबको पता है टिटनेस का इंजेक्शन लगाया जाता है. सो हेयर आर सम ऑप्शन एज लाइक मम्स मीजल्स और टिटनेस. सो योर ऑप्शन आंसर इज टिटनेस, नंबर सी. ORS सॉल्यूशन विल हेल्प यू ड्यूरिंग, ORS का सॉल्यूशन आपको कब हेल्प करता है, आपको कब उसकी ज़रूरत पड़ती है? व्हेन यू हैव एन कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम, डायरिया और फीवर. सो यस, आंसर इज डायरिया. जब आपको डायरिया हो जाता है तभी आपको ORS दिया जाता है. ओके, नंबर फाइव, दैट इज इफ यू गेट अ बरीज वाइल प्लेइंग एंड यू मस्ट क्लीन इट विथ, जब आपको खेलते खेलते चोट लग जाए तो आपको उस टाइम पर क्या तुरंत अप्लाई करना चाहिए? सोप, वाटर और एंटीसेप्टिक लिक्विड. सो ऑब्वियस योर आंसर इज एंटीसेप्टिक लिक्विड, जस्ट बिकॉज हम लोग सोप और वाटर का यूज तुरंत किसी भी घाव पर नहीं कर सकते. ओके, नेक्स्ट, कवर ऑन स्मॉल बॉडीज यूज, करोगे और हम मेडिकल स्ट्रिप. सो योर ऑप्शन इज मेडिकेटेड स्ट्रिप. नेक्स्ट वन इज नंबर सेवन, इफ अ बोन इज ब्रोकन दिस इज नीडेड टू मेक इट पॉसिबल फॉर इमोबाइल, जब आपकी हड्डी टूट जाती है तो उस टाइम पे कौन सी चीज़ ऐसी लगाई जाती है जिससे कि वो हिले ना बिल्कुल भी, है ना, सो दैट यू कैन गेट ईजली टू फास्ट रिलीफ. तो आप वहाँ पे क्या लगाओगे, बैंडेज, स्प्लेंट और एंटीसेप्टिक? योर ऑप्शन इज नंबर बी, स्प्लेंट, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट वन, टू पुल आउट द स्ट्रिंग ऑफ एन इंसेक्ट फ्रॉम द स्किन, यूज अ सीजर, सेफ्टी पिन और ट्वीजर. आपको जब कभी कुछ कांटा लग जाता है या फिर किसी इंसेक्ट का स्टिंग लग जाता है तो आप क्या करोगे उस टाइम पे उसके स्टिंग को निकालने के लिए अपनी स्किन से? एक ट्वीजर का इस्तेमाल करते हैं. ओके, नेक्स्ट, कोल्ड वाटर स्ट्राइप्स कैन बी अप्लाइड ऑन फोरहेड फॉर, कोल्ड वाटर की जो स्ट्रिप्स यानी ठंडे पानी की जो पट्टियां हम लोग रखते हैं वो क्यों रखते हैं, किस टाइम पे अप्लाई किया जाता है? फीवर, स्टमक एक और टूथेक. सो ऑब्वियसली फीवर में, क्योंकि हमारे बॉडी का टेम्परेचर हाई होता है इसलिए उसको नॉर्मल करने के लिए हमें कोल्ड वाटर स्ट्रिप्स का यूज़ करना पड़ता है. ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज, टू ट्रीट कॉमन कोल्ड वी अप्लाई, जब हमें कॉमन कोल्ड होता है तो हम क्या अप्लाई करते हैं? Normally, balm. Next one is, always wear these before dressing someone's wound. जब आप किसी के भी घाव की ड्रेसिंग करते हैं तो आपको हमेशा क्या करना चाहिए? सॉक्स पहनना चाहिए, शूज पहनना चाहिए और ग्लव्स पहनना चाहिए. That's understood. Gloves. जब हम हाथों में ग्लव्स पहनते हैं तो उससे जो इन्फेक्शन होता है वो हमें नहीं होगा. Next one is, always clean a wound with कॉटन एंड एंटीसेप्टिक. हमेशा किसी के भी बाउंड को यानी घाव को किस चीज़ से साफ करना चाहिए? कॉटन और एंटीसेप्टिक. ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज,
प्लानिंग अ टूर। प्लानिंग अ टूर में क्या है, इसमें आपको दिल्ली, दिल्ली टू हरिद्वार, हरिद्वार टू ऋषिकेश एंड देन आफ्टर दिल्ली एंड आफ्टर दैट दिल्ली टू मथुरा एंड आगरा, आपको बहुत जगह की सैर कराई जाएगी। विजिट आप समझते हैं ना, दैट इज टूर। जब आप ट्रिप करते हैं तो आपको पहले से ही उस ट्रिप की प्लानिंग करनी होती है। और वो प्लानिंग आप करेंगे कैसे, जब आपको ये पता हो कि उसकी डिस्टेंस कितनी है, वो कितने किलोमीटर्स में है एंड हाउ मच टाइम और डे यू हैव, तभी आप उसकी प्लानिंग कर पाते हैं। सो हियर आर सम क्विज रिलेटेड टू दैट चैप्टर, यू हैव टू डू इट। ओके, आपको ये करना है और इस चैप्टर को आप अच्छे से पहले रीड करेंगे, फिर आप इसका आंसर करेंगे। तो चैप्टर आपको रीड करना है, आंसर मैं आपको बता रही हूँ अकॉर्डिंग टू दिस। नाउ व्हाट इज ऋषिकेश आल्सो पॉपुलर एज, ऋषिकेश किसके नाम से भी जाना जाता है। पहला तो ऋषिकेश फेमस है जस्ट बिकॉज ऑफ हरिद्वार, बट द सेकेंड थिंग इज योगा कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, इसे योगा कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट वन इज Which city is just 20 kilometers from Haridwar? हरिद्वार से कौन सी सिटी है जो सिर्फ 20 किलोमीटर की दूरी पर पड़ती है, वो है ऋषिकेश। नेक्स्ट वन इज विच इज़ अ पॉपुलर बाथिंग घाट ऑफ हरिद्वार, हरिद्वार में जो वहाँ का फेमस बाथिंग घाट है यानी नहाने का स्थान, उसको क्या कहा जाता है। हर की पौरी, वो हर की पौर होती है, ओके, जहाँ पर सब नहाते हैं, हर की पौरी। Again repeated these words. Next one is, अब जब आप आगरा तक घूमे तो फिर वहां से वाराणसी भी ज्यादा दूर नहीं है, तो लोग वाराणसी भी चले जाते हैं, वाराणसी टू दिल्ली ऑल्सो। सो हियर विच प्लेस इज कॉमनली रिफर्ड टू एज BHU, BHU को किस नाम से भी जाना जाता है, BHU का फुल फॉर्म क्या होता है, यू हैव टू एक्सपेंड इट। सो BHU इट मीन्स बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट विच इज द सिटी वेयर लॉर्ड बुद्धा गेव हिज फर्स्ट सर्मन, दिस वन इज सारनाथ, दैट इज सारनाथ। नेक्स्ट विच सिटी इज ऑल्सो कॉल्ड द ट्विन सिटी टू मथुरा, मथुरा की जो दूसरी एक ट्विन सिटी है जिसको जिसके नाम से भी मथुरा को जाना जाता है, उसे क्या बोला जाता है, वृंदावन। यस, वृंदावन मथुरा, आपने नाम तो सुना ही होगा। सो वृंदावन इज द ट्विन सिटी ऑफ मथुरा। ओके, नेक्स्ट वन इज नंबर मैजिक, नंबर मैजिक, यस, देयर आर सम नंबर्स और आपको इन नंबर्स को काउंट करना है, माइनस करना है, दैट इज डिपेंड्स ऑन योर क्वेश्चन। नाउ हियर हियर आर सम नंबर टैग, एज यू कैन सी देयर आर ₹10, ₹5 एंड देन 25, 75 एंड सो ऑन। आपको इन सारे रुपीस को क्या करना है, ये इसमें लिखा गया है। वन बॉल एंड वन टॉय टॉय कार, कितने रुपीस की हुई, आपको ये काउंट करके बताना है। तो वन बॉल वन टॉय कार, जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाता है हमारे पास ₹35, क्योंकि टॉय कार है ₹25 की और बॉल है ₹10 के। नेक्स्ट वन इज अ नोटबुक एंड टू पेंसिल्स, एक नोटबुक और दो पेंसिल लेने में क्या रुपीस हुआ, ₹25, क्योंकि वन पेंसिल इज इन ₹5 आई थिंक, यस। नेक्स्ट वन इज थ्री बिस्किट पैक्स एंड थ्री टॉफीज, सो व्हाट्स द रुपीस, जब हम लोग थ्री बिस्किट्स लेंगे तो कितने का पड़ेगा और थ्री टॉफीज कितने की पड़ेंगी, वो हमारा डिपेंड करता है उनके प्राइस टैग के अकॉर्डिंग। एंड थ्री टॉप्स, थ्री नोटबुक्स प्लस टू इरेजर्स, 29 ऊपर 19। ओके, नाउ नंबर बी, टिक द करेक्ट ऑप्शन, आपको यहाँ करेक्ट ऑप्शन में टिक करना है। सो विच नंबर वुड रिप्लेस द डैश, आपको बताना है इनमें से कौन सा नंबर है जो रिप्लेस हो रहा है, उस क्वेश्चन मार्क पे आपको फिल करना है। सो योर नंबर इज 30। ओके, नेक्स्ट इफ यू ऐड 3 टू दिस नंबर एंड इट विल बिकम 3 लेस,
then 501, which number is it? The number 495. It means 495. Next one is, today is first day of May. Okay. And a Thursday. Today is a first of May and a Thursday. And which day of the week would be 23rd of May? तो 23rd को कौन सा दिन पड़ेगा जब आज है 1st मई का थर्सडे. सो योर ऑप्शन थर्सडे, फ्राइडे, मंडे और संडे. सो द आंसर इज संडे. ओके, होप यू ऑल अंडरस्टैंड अबाउट दिस. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस.